Hi guys, I'm Sudhof. Welcome back to my channel You and Me. Please subscribe करें मेरे channel You and Me को और bell button पे click करें beauty, makeup, cooking and DIY videos को सबसे पहले देखने के लिए. Friends, आज का video हमारा करवा चौथ makeup है और मैंने ये look create किया है करवा चौथ के लिए. First of all, happy करवा चौथ to all of you in advance. फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाया है. कुछ क्लिप्स अगर छूट जाए तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज कर देना, और अगर ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैंने अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाया है एज अ प्राइमर और मॉइस्चराइजर, और फिर मैं अपने फाउंडेशन और बीबी लोशन को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ. मैं हमेशा फाउंडेशन के साथ कोई भी बीबी लोशन मिक्स करके लगाती हूँ. सिंगल फाउंडेशन लगाना मुझे पसंद नहीं है. फिर मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी. मैं आपको सिर्फ हाफ फेस में करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो हमारा शॉर्ट बने थोड़ा. इस तरह से मैं अपने पूरे फेस पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है. फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे बेस्ट अभी तक ब्यूटी ब्लेंडर ही लगा है. कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एवॉन का कंसीलर शेड लाइट वीट और एडीएस का कंसीलर 01, और इन दोनों को मिक्स करके मैं जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है उस एरिया को मैं लगा रही हूँ. और कंसीलर लगाने के बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए आप ब्लेंड ज़रूर करें अच्छे से. फ्रेंड्स, अक्सर हम सब मेकअप करने टाइम अपने फेस पर बिल्कुल ध्यान देते हैं, लेकिन नेक और ईयर कान को इग्नोर कर देते हैं. कान को और नेक को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए उसे उस पर भी फाउंडेशन और पाउडर अप्लाई करना है. कंसील करने के बाद मैं रियल टेक्निक की बफिंग ब्रश से इन सभी को सेट करूंगी, और सेट करने के लिए मैं फिजिशियन फार्मूला का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ. सेट करने के लिए मैं डैब मोशन में पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ, और फिर सर्कुलर मोशन इस तरह से देते हुए हमें शट ऑफ कर लेना है एक्स्ट्रा पाउडर को इस तरह से, ताकि हमारा फेस केक ही नहीं और हमें नेचुरल लुक मिले. नेक पे भी हमें अप्लाई करना है, और मैं यहाँ पर आईब्रो की क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई. आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया है एले गर्ल की शैडी स्लिम ब्रो पेंसिल, और मैं नेक्स वंडर पेंसिल की हेल्प से अपने आईब्रो को क्लीन कर रही हूँ. जो भी थोड़ा बहुत थोड़ा मेसी हो जाता है तो एक क्लीन शार्प एज मिले हमें, और ईयरबड्स की हेल्प से उसे आप ये सेम चीज़ आप कंसीलर के साथ भी कर सकते हो, फाउंडेशन लगा के भी वहाँ पर ईयरबड से कर सकते हो. आई मेकअप के लिए मैं अपने पैलेट से ये लाइटेस्ट कलर एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ क्रीज लाइन पे. नेक्स्ट मैं लैकमे का 925 आई शेडो पैलेट में से ये गोल्डन शेड अपने पूरे आईलिट पे अप्लाई करूँगी. गोल्डन शेड आईलिट पे अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से इसे ब्लेंड कर लूँगी. ब्लेंड करने के बाद मैं सेम पैलेट से ये मेटालिक ग्रीन शेड लेकर अपने 1/3 आउटर वी जो हमारा है आई का उस पर मैं अप्लाई करूँगी, और इस कलर को मैं 2-3 टाइम्स अप्लाई करूँगी जब तक मैं जितना मैं हमें चाहिए जितनी डार्क इंटेंसिटी चाहिए वो हमें ना मिल जाए, तब तक मैं इसे 2-3-4 टाइम्स अप्लाई कर रही हूँ. और ये बिल्कुल अब डार्क हो चुका है, और मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी इसके एजेस को. लोअर आईलिड के लिए पहले मैं ये कॉपर आई पेंसिल को पूरे लोअर लिड पर लगाऊंगी. नेक्स्ट मैं हाफ लिड पे लोअर हाफ लिड पे ग्रीन मेटालिक आई पेंसिल लगा रही हूँ, और इसे ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फॉल्सी वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्करा अपनी लैशेस पे, और मैंने फॉल्स लैशेस भी अप्लाई किए थे लेकिन उसका ग्लू सही से स्टिक नहीं हुआ, आई थिंक वो एक्सपायर हो गया है तो मैंने निकाल लिया. और मैं अभी लाइनर यूज़ कर रही हूँ कलर बार का, और मैं टिश्यू की हेल्प से जितने भी फॉल आउट थे मैं उसे वाइप कर रही हूँ जेंटली. आईलाइनर लगाने के बाद मैं एक कॉपर शेड की ग्लिटर लाइनर लेकर उसे एंड पे अप्लाई कर रही हूँ.
जहाँ पे हमने विंग बनाया है, मैं बस विंग पे ही अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसे अपनी दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी वाटर लाइन के लिए NYX वंडर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं क्यूटिप की हेल्प से इनर कॉर्नर ऑफ आईज को हाईलाइट कर रही हूँ, ब्रो बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है और कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन ड्यूओ फेस स्कल्प और मैं कंटूर कर रही हूँ अपने चिक बोन को, जॉ लाइन को, फोरहेड को एंड नोज को। कंटूर करने के बाद नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी पाउडर। जॉनसन्स पाउडर यूज़ करने के बाद मैं इसे एक बफिंग ब्रश के हेल्प से शेड ऑफ कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं एक फैन ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ब्रिज ऑफ नोज, चिन पे, क्यूपिड बो पे, चिन चिक पे और अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। लिप के लिए मैं पहले लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की और अपनी लिप को लाइन कर रही हूँ। लिप लाइनर से अपने लिप को शेप देने के बाद मैं उसी लिप लाइनर से अपने लिप को फिल भी करूँगी, इससे हमारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और फिर मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मेलिन की M31। ऑरेंज लिपस्टिक लगाने के बाद मैं एक मरून शेड की लिपस्टिक लेकर उसे अपने लिप पे अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज है और मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डल कर रही हूँ। मरून लिपस्टिक मिक्स करने के बाद मैं सेम ब्रश में ऑरेंज लिपस्टिक लेकर आउटलाइन कर रही हूँ और इस तरह से लिपस्टिक हमने अप्लाई कर लिया है। और ये मैट लिपस्टिक नहीं है और मुझे मैट पसंद है, इसलिए मैं टिश्यू पेपर से जो भी एक्स्ट्रा और ग्लॉसीनेस है उसकी वो हटा लूँगी इस तरह से। मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस लुक को कंप्लीट कर रही हूँ मैं एक पॉम्पॉम इयररिंग से। इयररिंग के बाद मैं अपने बालों को वाइट कॉम से कॉम कर रही हूँ। ये लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये करवा चौथ मेकअप है तो विदाउट बिंदी एंड विदाउट सिंदूर ये लुक कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैंने एक बिंदी डाली है और मैं अभी सिंदूर डाल रही हूँ इस लुक के लिए। सो फाइनली हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है करवा चौथ के लिए। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल। और लास्ट में मैंने एक मेसी बन क्रिएट किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।